और बड़ी खबर इस वक्त की, सोनाली फोगाट केस में बड़ी खबर आ रही है। सुधीर सांगवान की रिमांड आज खत्म होने वाली है, लिहाजा सुधीर सांगवान को लेकर कोर्ट के लिए निकली है गोवा पुलिस 10 दिन के रिमांड के बाद आज अदालत पेश कर रही है। पहुंच चुके हैं अदालत में इस वक्त। अब आगे क्या कार्रवाई होती है वहां से हमें हमारे संवाददाता क्या जानकारी देते हैं, क्योंकि अभिषेक लगातार वहां पर मौजूद हैं। अभिषेक जब भी इस बारे में जानकारी देंगे आप तक वो जानकारी पहुंचाएंगे, लेकिन मापुसा कोर्ट लेकर पहुंच गई है गोवा पुलिस। अब कार्रवाई होगी और ये पता चलेगा कि क्या गोवा पुलिस ने पुलिस कस्टडी मांगी है या फिर अब इसके बाद जुडिशियल कस्टडी का रास्ता ही बचा हुआ है। तो इस बारे में तमाम अपडेट्स आपके सामने आएंगे। 10 दिन के रिमांड के बाद आज पेशी हो रही है सुधीर सांगवान की मापुसा कोर्ट में। सोनाली की हत्या के आरोप में गिरफ्तार हैं सुधीर और सुखविंदर, दोनों को ही ले जाया गया है मापुसा कोर्ट। दोनों ही 10 दिन के रिमांड पर थे। इसके बाद क्या हासिल हुआ क्या नहीं हासिल हुआ ज्यादा बेहतर कोर्ट को बताएगी गोवा पुलिस, और बाद में पता चलेगा कि कोर्ट ने क्या आदेश इन दोनों के लिए दिया है। निर्दोष हूँ मैं। कुछ देखिए, कस तो बोलने कोशिश कर रहा है। देखिए इनको कोर्ट में पेश किया गया। देखिए आप देख रहे हैं कि इस वक्त मापुसा कोर्ट जो गोवा का मापुसा कोर्ट है, नॉर्थ गोवा का, इस जगह पर लाया गया है, इस जगह पेश किया गया है और अब पुलिस रिमांड के लिए ले जाया जाएगा। देखिए भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पे मौजूद की गई है, ताकि भारी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर है और यही कारण है कि किस तरीके से यहाँ पर दो आरोपियों को लाया गया जिसका नाम है सुधीर सांगवान, साथ ही साथ सुखविंदर, जिन्हें कोर्ट में इस वक्त पेश किया गया है। और देखा आपने किस तरीके इंडिया न्यूज सीधा सवाल पूछा, इकलौता ऐसा चैनल था जो सीधा उनके पास जा के पूछा कि आखिरकार क्यों मारा, जवाब कुछ नहीं था। मतलब साफ समझिए कि किस तरीके से हत्यारे जो हैं और किस तरीके से बड़े कारनामे को अंजाम दिया था यह हम आप सब देख सकते हैं। लेकिन कोर्ट की कार्रवाई कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी, जहां से एक पल की रिपोर्ट इंडिया न्यूज दिखाएगा कि कैसे आखिरकार क्या क्या जानकारियां इनके पास और कोर्ट में दी जाती है। सुधीर सांगवान को पेश किया गया कोर्ट में। सुधीर सांगवान पर गंभीर आरोप है। 26 अगस्त को सुधीर सांगवान को कोर्ट में पेश किया गया, गंभीर आरोप सुधीर सांगवान पर कोर्ट में पेशी हो गई। आपने अभिषेक की रिपोर्ट देखी, अभिषेक की रिपोर्ट से साफ हुआ 10 दिन की रिमांड के बाद आज पेशी है सुधीर सांगवान की।